अस्सलाम वालेकुम। क्या आपका भी व्हाट्सएप बिल्कुल स्लो वर्क कर रहा है? तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो दोस्तों आइए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने व्हाट्सएप को फास्ट कैसे कर सकते हो। मतलब आपको ये प्रॉब्लम आती है, आप जैसे इंटरनेट डाटा ऑन करते हो तो आपका व्हाट्सएप जो है बिल्कुल स्लो हो जाता है और काफ़ी टाइम के बाद आपका व्हाट्सएप जो है वो वर्क करता है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर पर यहाँ पर व्हाट्सएप आपके सामने ओपन है, तो यहाँ पर आप सर्च में लिख सकते हैं व्हाट्सएप। जैसे ही आप सर्च में लिखेंगे व्हाट्सएप तो आपने यहाँ पर जैसे ही आपके सामने आएगा तो आपने यहाँ से इसको सबसे पहले अपडेट कर लेना है। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आ जाना है व्हाट्सएप के ऊपर, एक दफ़ा सेलेक्ट करके रखना है और इसके ऊपर आपको यहाँ पर ऐप इसको पाँचवें नंबर पर सेटिंग में मिल जाएगा। अगर आपको इधर से नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, आपने सेटिंग में आ जाना है। जैसे ही आप सेटिंग में आओगे तो यहाँ पर आपको एड्स एंड नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन होगा, तो उसे आपने ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर सेटिंग के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको CR74S मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर सिलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसे रोल डाउन कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे व्हाट्सएप पर 5.29 GB तक यूज़ हो चुकी है। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपने अब करना क्या है, इसलिए जो आपका मतलब जितना भी व्हाट्सएप है वो स्लो इसलिए चलता है, यहाँ पर आपने स्टोरी में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्टोरी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने यहाँ पर क्लियर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही क्लियर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके जितने भी यहाँ पर वायरस जो कुछ चीज़ें और होती हैं वो आपकी सब ख़त्म हो जाती हैं, यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं। इसके बाद अगर आप क्लियर स्टोरेज करोगे तो यहाँ पर आपका जितना भी डाटा है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर आपको कहीं ज़्यादा डाटा है, मेरे पास मेमोरी है तभी जाके ये मेरे पास वर्क करे, लेकिन आपके मोबाइल में अगर 2 GB रैम और 16 GB मेमोरी है तो उसमें अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर जैसे मेरी 5.21 GB यूज़ हुई है तो मुझे तो अभी 4.64 में मेरा मोबाइल है, तो मुझे इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको 2.16 में है, 2.32 में है, तो यहाँ पर अगर आपका व्हाट्सएप स्लो चल रहा है तो आपने डाटा क्लियर कर देना है। अगर आपके अहम चीज़ें हैं तो आप डाटा क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने जो डाटा है वो आप महफूज कर लें। तो आपने करना क्या है, यहाँ से आपने अपना क्लियर डाटा कर लेना है। इसके बाद आपने अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। जैसे ही आप व्हाट्सएप ओपन करोगे तो यहाँ पर ये देखें मेरा व्हाट्सएप ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त मेरा जो है बिल्कुल व्हाट्सएप बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जितने भी ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये जल्दी से जल्दी ओपन हो रहे हैं, ग्रुप्स हो गए, नाम मतलब जितने भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं मेरे वो जल्दी ही ओपन हो रहे हैं। तो मसला यही आता है कि आपकी मेमोरी फुल हो जाती है, मिसाल के तौर पर आप व्हाट्सएप पर डाटा काफ़ी ज़्यादा जो है अपलोड कर देते हो, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर यह प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने अपना व्हाट्सएप अपडेट कर लेना है, उसके बाद आपने अपना डाटा देखते रहना है क्योंकि इसमें वायरस वगैरह या काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपने क्लियर करते रहना है। इसके बाद आपने यहाँ पर व्हाट्सएप फिर चलाएंगे तो आपका जो व्हाट्सएप है वो बिल्कुल फास्ट वर्क कर गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।